के कुछ मेंबर्स हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो आ चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी ऑन स्टेज आ जाए ताकि हम सभी लोगों को एक साथ ही एड्रेस करें, है ना? यही चाहते हैं हिमांशु जी? चलिए, फैंटास्टिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे कई बार होता है जब इवेंट में हम सभी लोग अलग अलग फील्ड से होते हैं तो थोड़ा सा सन्नाटा, थोड़ी सी शांति हो जाती है, तालियां कम हो जाती है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप ही की एनर्जी से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं और कंटिन्यू होंगे। लेट्स इनवाइट द म्यूजिक डायरेक्टर्स हु आर ऑलरेडी ऑन द स्टेज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बबली हक। ओह फैंटास्टिक, आई लव दैट लैवेंडर एंड मीरा सरकार, थैंक यू सो मच। वी डेफिनेटली वॉन्ट टू नो अबाउट यू ऑल। लिरिसिक्स तो हमने इंट्रोड्यूस किया, फ्रॉम यू ऑल कैसे लगा? प्रियंका, लेट्स हैव यू स्पीकिंग, स्टार्टिंग विद इंट्रोड्यूसिंग योर फुल नेम। थैंक यू। हाय, आई एम रियंका चंदा और टीवी एक्ट्रेस हूँ। बहुत सारे शोज किए, लास्ट शो मैंने किया है जी टीवी का मीत, और आई फील रियली ग्रेट कि आज यहाँ पर आई हूँ ऑन द लॉन्च ऑफ थोड़ा सा बदनाम। और बहुत ही प्यारा गाना था एंड द इमोशंस वर पोर्ट्रेड वेरी ब्यूटिफुली बाय ऑल, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you. Please, can we have you in the center? We definitely want our guest to speak first. Hi everyone, I am Rajeshwari Datta, television actress whom काफी सारे shows किए हैं, last show Vidrohi first actress. Thank you मुझे यहाँ invite करने के लिए, thank you so much. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गाना भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बदनाम and लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छी है एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत फीलिंग के साथ किया है, हमें हम तक पहुंची है, आई थिंक ऑडियंस तक भी पहुंचेगी एंड ऑल द बेस्ट टू द होल टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू, आप भी आगे आ जाए। म्यूजिक डायरेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड व्हेन इट इज टू पीपल इन वन टीम प्लेइंग वन रोल, तो आप दोनों के बीच में से क्या चैलेंजेस थे, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि सभी से तो ये जान चुके हैं कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस थ्रू आउट। आई एम बबली हक, म्यूजिक कंपोजर, सो वी बोथ आर म्यूजिक कंपोजर, मीरा सरकार एंड मी, एंड देन ये एल्बम जो सॉन्ग है ये हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया, एंड हिमांशु जी ने पूरा एक मौका दिया हम लोग को अच्छा ये करने के लिए, एंड अभी काफ़ी अच्छा लिखा, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे इसको। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं मीरा सरकार, और ये जो गाना है हम लोगों ने बहुत एक्चुअली हम लोग बैक टू बैक हम काम कर रहे थे सर के लिए, तो ये हमारा फोर्थ सॉन्ग था और पता नहीं था कि ये फर्स्ट आएगा और इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, एंड बहुत अच्छा मुझे वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सोचा था कि ये बाद में देखूंगी, बट ये फर्स्ट देखा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों के पास जब लिरिक्स आया था, एक्चुअली फर्स्ट लिरिक्स आया था, जैसे आपने पूछा कि कैसे कंपोज किया, तो हम लोग जब लिरिक्स देखा फिर लिरिक्स में सोचा कि कैसे कंपोज करें, तो उसमें जस्ट एक फील होता है उन्होंने लिखा, इतना अच्छा लिखा उन्होंने, उसके बाद देन हम लिरिक्स में ही कंपोज किया था। और आज जब हम खुद देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो विद लिरिक्स कंपोज एंड ऑल, बहुत अच्छा लगा, एंड सर ने बहुत बहुत हम लोगों को एप्रिसिएट करते हैं, बहुत अच्छा है, इवन हम लोग थैंक यू सो मच कि आप सबको अच्छा लगा, बस इनक्रेडिबल है ना, कैसे एक कलम से शुरुआत होती है और उसे हम एक स्ट्रक्चर देते हैं, और इतनी बड़ी टीम जो काम करती है उन्हें पता भी नहीं होता है कि कब क्या कहाँ क्रेडिट मिलने वाला है, एंड द मैन द शो मैन हिमांशु जी, एक बार प्लीज सभी टीम और हिमांशु जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के भी काफ़ी आर्टिस्ट एक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें भी ऑन स्टेज बुलाऊँ और हम
उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। अंबिका,